हेलो माय डियर चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। हमने ऋषि ऋषि की मात्रा वाला पार्ट पढ़ा, उसकी एक्सरसाइज भी की। उसमें ऑलरेडी जोड़कर शब्द दिए हुए थे, इसलिए अलग से नोटबुक में नहीं करवाए। पर इसमें री की मात्रा का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसके जो टफ वर्ड है उनको समझना, शब्दार्थ। तो आज मैं इसके जो टफ वर्ड है उसके शब्दार्थ करवाऊंगी, जो तुम्हारी एग्जाम में भी आएंगे और तुम्हें अच्छे से लर्न करना है उनको। ओके, तो सभी अपनी हिंदी की नोटबुक निकालो। सबसे पहले डेट लिखो, 1/7/21। यहाँ लिखो 3 की मात्रा, मेन टॉपिक है शब्दार्थ। शब्दार्थ नंबर डालो, 1-1 लाइन लीव करके नंबर डालना है। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। सबसे पहले में लिखेंगे हम गृह। गृह, गृह का मतलब होगा घर। नंबर 2, मृग। मृग मीन्स हिरण। नंबर 3, तृण। तृण मीन्स घास। नंबर 4, कृषि। कृषि का मतलब होता है खेती, खेती। कृपा, कृपा का मतलब होगा दया। नंबर 6, नृप। नृप का मतलब होगा राजा, राजा। नंबर 7, ग्रीत। ग्रीत, ग्रीत का मतलब होगा घी। लास्ट कृषक। कृषक का मतलब होगा किसान। सभी अच्छे से रीडिंग, जोर जोर से रीडिंग करते हुए लिखना है और याद करना है। गृह घर, मृग हिरण, तृण घास, कृषि खेती, कृपा दया, नृप राजा, गृत घी, कृषक किसान। अच्छे से ये सबको लर्न करना है। ओके, बाय, टेक केयर।